अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203। एक और, सारी दुनिया कोरोना की महामारी से बचने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। वहीं देश की सरकारें कड़क से कड़क निर्बंध लगाकर लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास कर रही हैं, मगर कुछ लोगों पर इसका असर ना होते हुए वे खुद की लालच के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकार के दिए आदेशों को नहीं मान रहे हैं। एक और, सारी दुनिया कोरोना की महामारी से बचने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। वहीं देश की सरकारें कड़क से कड़क निर्बंध लगाकर लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास कर रही है, मगर कुछ लोगों पर इसका असर न होते हुए वे खुद के लालच के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकार के दिए आदेशों को नहीं मान रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नागपुर में आईटी पार्क गायत्री नगर में स्थित टॉपर टेक्नोलॉजी, जो कि अमर प्लाजा के सेकंड फ्लोर पर और परसिस्टेंट कंपनी के पीछे स्थित है। यहां पर 25 कर्मचारी काम करते हैं, मगर सरकार की ओर से शनिवार रविवार पूरी तरह बंद होने के बावजूद यहां के संचालक स्मित गोमस्कर अपने कर्मचारियों को जबरदस्ती शनिवार रविवार को बुलाकर काम करते हैं और रोज का जो टाइम 4 बजे तक है उसके बाद भी काम कराते हैं। और इनका रवैया कुछ ऐसा है कि जो कोई पत्रकार आएगा या जो कोई अधिकारी आएगा मैं उसे देख लूंगा। इस तरह से ये न केवल सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है बल्कि 25 कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों की जान के साथ भी खेल रहे हैं। पार्थशर समाचार ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित अधिकारी से कार्यवाही करने की मांग करता है। मी राजापूर टाकसाळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा महाराष्ट्राचा उपाध्यक्ष आणि वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्याचा निरीक्षक आहोत। मी तसेच सेंट पॉल स्कूलचा संचालक म्हणून या शाळेत काम करतो। गेल्या 20 वर्षांमध्ये एक छोटीशी शाळा राजेश नायडू साहेबांच्या नेतृत्वात आम्ही सुरू केली आणि आज 20 वर्षाचा प्रवास आम्ही गाठला। भाऊनी पार्थचरू एक वृत्तपत्र समाचार सुरू केलं, या वृत्तपत्राला एक चांगलं वृत्तपत्र म्हणून महाराष्ट्रात गाजावत, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल वेगवेगळ्या बातम्या आणि सत्य बातम्या या वृत्तपत्रात यावत, या वृत्तपत्राला माझ्या संस्थेतर्फे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे माझ्या पूर्ण शुभेच्छा आहेत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने का आग्रह किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि देश इस साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, ऐसे में उन्हें बहुगुणा को भारत रत्न देना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। केजरीवाल द्वारा शनिवार को लिखे गए पत्र में कहा गया, हमारा मानना है कि सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने से पुरस्कार को ही सम्मान मिलेगा। उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य में प्रकृति के संरक्षण के लिए आजीवन अपने काम के लिए पहचाने जाने वाले बहुगुणा ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया, जो अन्य राज्यों में भी फैल गया। इस साल 21 मई को 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में विश्वविख्यात पर्यावरणविद को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें भारत रत्न की मांग उठाई थी। मी गंगाधर नाकाडे, विदर्भ शिक्षक सेनाचे विभागीय अध्यक्ष, माजी मित्र राजेजी नायडू, संपादक पाच समाचार, हे नागपूर येथे नव्याने कार्यालयाचे उद्घाटन करत आहे, ज्यानिमित्त मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। तसेच नागपूरच्या लोकांचे या निमित्ताने, म्हणजे या समाचाराच्या पाचशा समाचाराच्या माध्यमाने ज्याही अडचणी आहे त्या सॉल्व होईल, त्या त्यांच्या निराकरण होईल अशी मी अपेक्षा करतो। धन्यवाद। मैं सैयद मुजफ्फर अली, नागपुर राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से गुडविल ट्रेवल्स की तरफ से नागपुर में शुरू होने जा रहा है पातुशार समाचार न्यूज़ चैनल को शुभेच्छा देता हूँ।
स्वास्थ्य शिविर और नेत्र जांच शिविर, चश्मा वितरण कर कार्यक्रम आयोजित कर शिव संपर्क अभियान की शुरुआत की गई। जिला संपर्क प्रमुख प्रशांत कदम के हाथों शिव संपर्क अभियान की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य शिविर और नेत्र जांच शिविर, चश्मा वितरण कर कार्यक्रम आयोजित कर शिव संपर्क अभियान की शुरुआत की गई। जिला संपर्क प्रमुख प्रशांत कदम के हाथों शिव संपर्क अभियान की शुरुआत की गई। 27 जुलाई तक उपक्रम शहर के कुल 16 वार्डों में चलाया जाएगा। उसी प्रकार सदस्य पंजीयन कर शिवसेना शाखा का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित समीक्षा बैठक में जिला प्रमुख नितिन मत्ते, उप जिला प्रमुख रमेश मेश्राम, तहसील प्रमुख मुकेश जबतोड़े, नगर सेवक दिनेश यादव, युवा सेना तहसील प्रमुख भूषण बुरले, तहसील संगठक नरेश काले, शिवसेना शहर प्रमुख नंदू पढ़ाल, शहर संगठक माया नारले, नगर सेवक ज्ञानेश्वर डुकरे, राजू सारंगधर, महेश जिवतोड़े, आशीष ठेंगड़े, बाला शीरसागर, शीरसागर सतीश आत्राम, घनश्याम आसवाले, राहुल खोड़े, गौरव नागपुरे, प्रीतम देवतले, वैभव मेश्राम आदि उपस्थित थे।